आत्मा राउंड, हैंगर का राउंड और ज्यूस जिस हिसाब से इस पारी को आगे ले जा रहे हैं, धीरे धीरे मैच को अपनी तरफ जीतते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पर कमबैक होने के चांस है गाइस? टेरॉक्स की मूवमेंट को फिर से कब्जे में करा जाएगा ज्यूस। वही कोई बात नहीं, टेरॉक्स खेलते हैं फुल स्पीड और फुल मूवमेंट के साथ और ज्यूस खेलते हैं फुल एक्यूरेसी और बात करें तो बंदे के दिमाग के साथ। क्या होगा इस मैच के अंदर? करते हैं मैच को स्टार्ट और लेते हैं इस मैच के मजे। मुकाबला स्टार्ट हो चुका है, एक तरफ ज्यूस और एक तरफ टेरॉक्स। मूवमेंट बनाओ एक्यूरेसी, कौन जीतेगा इस मुकाबले को देखेंगे इस मैच के अंदर। इंतजार बहुत लंबा किया इस मैच को देखने के लिए हम सब ने, पर आज ये मैच आप सबके सामने आ जरूर चुका है। 1v1 का एक बेहतरीन बैटल। पहले राउंड में पहला हेडशॉट कौन किसको देने वाला है गाइस? कौन होगा वो पहला बंदा जो पहला राउंड में एलिमिनेट करेगा एक दूसरे में? किसका हेड आएगा पहला राउंड? और ज्यूस ले सकते थे मौका क्योंकि जेरॉक्स ओपन आए थे। जेरॉक्स पूरा टाइम ले रहे हैं, ज्यूस भी पूरा टाइम ले रहे हैं। भाई कितनी लंबी फाइट होगी, अब तक दोनों ने आमने सामने फाइट नहीं लिया। ज्यूस के सामने फिर से मौका बनाओ, ज्यूस फिर से होल्डन पे ले पाएंगे। और यही बात मैं बोला था, और पहले ही राउंड में यहाँ पे दबदबा कायम करेंगे ज्यूस का। पहले ही राउंड में हेडशॉट, ओ माय गॉड, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है इस राउंड के अंदर? हर तरफ से जेरॉक्स की काफी धमाकेदार ये मैच, काफी बेहतरीन ये मैच दिखाया अब तक। क्या होने वाला है इस मैच के अंदर? जोन छोटे हो रहा है, ज्यूस के पास दो शॉट है और ज्यूस हमेशा जोन के पास रहते हैं, ये चीज मैंने आपको बोली थी। और जेरॉक्स यहाँ पे मूवमेंट के साथ रहेंगे, पर ये मूवमेंट काम नहीं आने वाली है और यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे एक और राउंड के अंदर ज्यूस। और आमने सामने बच गए, ये सब बच गए दोनों प्लेयर, आमने सामने आए थे अभी और दोनों प्लेयर कहीं ना कहीं बच चुके हैं। क्या होने वाला है इस तीसरे राउंड के अंदर? और फिर से आप बचे हैं, हालत काफी खराब जेरॉक्स की लग रहा है। तीसरा राउंड भी ज्यूस अपने नाम करते हुए नजर आएंगे, हेल्थ बहुत ज्यादा कम ज्यूस के सामने जेरॉक्स की। जी हां, एक गोली क्या भाई जेरॉक्स, और जेरॉक्स अरे भैया एक और बॉडी के साथ एलिमिनेट यहां पर ज्यूस को। फोर्थ राउंड जोन छोटा हो रहा है, जोन पॉइंट आ चुका है, जेरॉक्स अभी भी जोन में नहीं जा रहे, बाहर घूम रहे, पर ज्यूस यहाँ पे डायरेक्ट जोन लेने की सोचेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं यही बात बोल रहा था, जैसे जोन आता है ज्यूस, पर यहाँ पे आज अलग स्ट्रेटजी के साथ ज्यूस भी। ओके जोन बाहर है और यहाँ पे हालत काफी गंभीर, और एक और राउंड में एलिमिनेट। ये मैच क्या हो रहा है? एक हेडशॉट दिखा है अब तक चार राउंडों में, बंदा एलिमिनेट बॉडी ऐसा कुछ दिख रहा है। इस मैच के अंदर भाई फिफ्थ राउंड, माय गॉड, अरे भाई साहब नहीं, ज्यूस यहाँ पे लगातार ताबड़तोड़ एक और हेडशॉट, यहाँ पे एक और राउंड में एलिमिनेट करेंगे ज्यूस जेरॉक्स को। चार हेडशॉट आने वाला है जेरॉक्स का या फिर ज्यूस को, देखते हैं। और यहाँ पे दो शॉट हाथों में है और सीधा रस मार रहे हैं। इस बार ज्यूस ने मूवमेंट दिखाई है भाई, बंदा मूवमेंट से खेल रहा है, कोई नहीं बोल सकता कि ज्यूस होल्ड करके खेल रहा है। इस राउंड में थोड़ी मूवमेंट के साथ खेले, बहुत तेज देखिए अब सीधा सीधा निकल रहे हैं, ओपन आते ही बॉल लगाते हैं अच्छी खासी इनके अंदर, पर वो स्टाइल जो है सिर्फ इनके पास। इसलिए क्या होने वाला है इस राउंड के अंदर? यहाँ पे की हेडशॉट निकले, ज्यूस ओवर पावर लगातार यहाँ पे ज्यूस अपनी एक्यूरेसी का शिकार बना रहे हैं जेरॉक्स की मूवमेंट और स्पीड को। क्या बात है ज्यूस की, सातवें राउंड ज्यूस लगातार यहाँ पे राउंड निकालते हुए जा रहे हैं, पांच राउंड से लीड में। ओ बॉडी पड़ी है, बहुत तगड़ी बॉडी, तगड़ी वाली बॉडी पड़ी है। सातवां राउंड हैंगर का राउंड और ज्यूस जिस हिसाब से इस पारी को आगे ले जा रहे हैं, धीरे धीरे मैच को अपनी तरफ जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कमबैक होने के चांस है गाइस,
टेरॉक्स की मूवमेंट को फिर से कब्जे में कराया जाएगा। जीयूस वहीं पे थे ग्लू वॉल के आसपास, जीयूस टेरॉक्स जैसे गए पकड़े गए। देखते हैं यहाँ पे आठ मरो यार ये बंदा इतना गंदा कैसे मार सकता है। हैकर और बॉट, हैकर और बॉट एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज करे। ओपी गेम यहाँ पे, एक बेहतरीन मैच को चेरोक्स से जीता जीयूस ने। एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए आपको कहीं अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल मिले डाउन लेनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद एक्यूरेसी होगा फिर धीरे धीरे मिलना है।